हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हैं एसेसन रीजन के सीरीज को लेकर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एम्स एग्जाम के पहले हम आपसे बहुत तरह के सवाल कराएंगे, स्पेशली एसेसन रीजन के सवाल कराएंगे, क्योंकि एक नए कॉन्सेप्ट का सवाल है जैसा नीट में नहीं पूछा जाता है। तो इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे फिर कह दूं कि बेहतर होगा कि अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से पहले पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर लें और फिर उसको आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप ये ऑडियो सुने, वीडियो को देखेंगे तो आपको आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आपको क्विक आंसर देने का एक मौका मिलेगा, सामने तुरंत डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं और साथ में मैं क्वेश्चंस को ब्रीफली आपको समझाता रहूंगा। इन क्वेश्चंस को कराने का हमारा प्रयोजन ये कतई नहीं है कि यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, मैं सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं। इस तरह के सवाल आएंगे, मैंने क्वेश्चंस जो फ्रेम किए हैं वो तकरीबन एनसीईआरटी के लाइन से फ्रेम किए हैं, इसलिए हम ये जरूर चाहेंगे कि एम्स एग्जाम के पहले अगर एनसीईआरटी बुक के थ्रू आप एक बार गो थ्रू हो जाएं तो बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं, मैं कोट करता रहूंगा किस टॉपिक से, किस लाइन से, किस पेज से हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एसर्शन है इसका, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड एंड मोलस्क। यानी आर्थ्रोपोडा जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड है, क्योंकि बहुत सारे आर्थ्रोपॉड तो टेरेस्ट्रियल है इंसेक्टा क्लास के, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड एक क्रस्टेशिया क्लास आपने पढ़ी हो तो क्रस्टेशिया के मेंबर्स जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जिनका एग्जांपल एक बड़ा कॉमन सा है, दैट इज अ प्रॉन। तो ये जो पानी वाले आर्थ्रोपॉड या मोलस्क जो हैं, इनमें एक स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। हालांकि इनका नाम टिपिकल गिल्स होना नहीं चाहिए था, इनका नाम होना चाहिए बुक गिल्स, लेकिन फिर भी हम गिल्स कहते हैं और ये हमारे टेक्स्ट बुक की लाइन से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 268 सेकंड पैराग्राफ में, ये डिक्टो लाइन लिखी हुई है, मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। वैस्कुलराइज स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क में, उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस गिल्स को कभी आप फिशेस के गिल्स से कंफ्यूज मत करिएगा, वो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का गिल्स है। इसी डिफरेंशिएशन के लिए कई टेक्स्ट बुक में गिल्स की जगह बुक गिल्स लिखा जाता है जब हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क की बात करते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ गिल्स का ही जिक्र किया गया। सर, दूसरा स्टेटमेंट रीजन के नाम पे है, वैस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर्म एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये भी एकदम डायरेक्ट लाइन है, लंग्स एक वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। हम एटमॉस्फेयर के एयर को फेफड़ों तक ले जाते हैं जहां हम गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं, और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है, जैसे ही ऑर्गेनिज्म ने जमीन पर कदम रखा तो उसको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक नया मॉडिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि वो एयर को डायरेक्टली इनहेल करने की स्थिति में आ गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि जो पहली लाइन में गिल्स की बात कही जा रही है और दूसरी लाइन में लंग्स की बात कही जा रही है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, दोनों एक अलग अलग पार्ट की एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क की बात कर रहा है और दूसरा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, देयरफॉर आंसर शुड बी द बी सेकेंड। यानी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल, हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। Among vertebrate, fishes use gills, whereas reptile, bird and mammal respire through the lungs. तो इससे पहले समझ लें, vertebrates को अगर हम बांटें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक पीसीज कहलाता है और एक tetrapoda कहलाता है। पीसीज यानी फिशेज, तो उनमें गिल्स होता है
और अभी अभी हमने जैसे कि बात की ये एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड के जो गिल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, बट खैर इनमें गिल्स पाया जाता है और वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन जो टेट्रापोडा है इसमें रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में तो लंग्स होता है, एम्फीविया थोड़ा अलग है। तो इसलिए इन्होंने पहली लाइन जो लिखी है असर्शन को लेकर, तो असर्शन इज क्वाइट करेक्ट। एमंग वर्टिब्रेट फिशेज यूज गिल्स, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल रेस्पायर थ्रू द लंग्स। सर रीजन को देखें, एम्फीवियंस एम्फीवियन लाइक फ्रॉग ओनली रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, तो ये गलत है। एम्फीविया एक एम्फीवियस लाइफ बिताता है, इट रेस्पायर गिल्स इन द टैडपोल स्टेज, बट इन एडल्ट स्टेज दे हैव इन लंग्स प्लस स्किन। तो जैसे यहां पे लिख दिया गया ना द फ्रॉग ओनली रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, ये गलत है। फ्रॉग ऑल्सो रेस्पायर थ्रू मॉइस स्किन कह देते तो शायद स्टेटमेंट सही हो जाता। तो रीजन गलत नजर आ रहा है, सिर्फ असर्शन सही है, इसलिए आंसर इसका सी होगा, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। अब जरा फ्रॉग के बारे में समझ लें। एडल्ट भाई जो टैडपोल लार्वा है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ गिल्स पाए जाते हैं। दो स्टेजेस होती हैं, एक एक्सटर्नल गिल स्टेज, बाद में इंटरनल गिल स्टेज, फिर मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। लेकिन जब एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो उसके पास तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक स्किन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एक बक्कोफरिंजियल कैविटी यानी बक्कोफरिंजियल रेस्पिरेशन, और एक पल्मोनरी यानी फेफड़े का रेस्पिरेशन। इन तीनों में अगर देखा जाए तो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द एम्फीविया, क्योंकि जो टोटल रेस्पिरेशन एडल्ट फ्रॉग में होता है उसमें 65% लंग्स कंट्रीब्यूट करते हैं। स्किन कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द टोटल रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग, और बक्कोफरिंजियल कैविटी कंट्रीब्यूट ओनली 5%। एक बात और समझ लें कि बक्कोफरिंजियल कैविटी और पल्मोनरी रेस्पिरेशन एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में सिर्फ एक समय में एक ही रेस्पिरेशन होगा। स्किन एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ्रॉग में जो हमेशा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, चाहे मेंढक पानी के अंदर हो, चाहे वो जमीन पर हो, या एस्टिवेशन या हाइबरनेशन के दौरान जमीन में कई फीट नीचे हो। ये सवाल लिया गया था पेज नंबर 268 के सेकेंड पैराग्राफ से ही, और डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सी रहा, जिसमें असर्शन सही था और रीजन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक रेस्पिरेटरी पार्ट है वो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग एल्वेलाई, और इनका रीजन दिया जा रहा है दिस पार्ट क्लियर एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो पहले जान लें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, यानी जोन को आप पार्ट भी कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 270 के सेकेंड पैराग्राफ से लिया गया है। तो जो अभी हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर का कंडक्शन करता है, इसकी कोशिश होती है, इसका रास्ता देता है ये एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक पहुंचाने का। जबकि इस असर्शन में कहा जा रहा है रेस्पिरेटरी पार्ट ये काम करता है, जो गलत है, जबकि रेस्पिरेटरी पार्ट का काम गैसेस एक्सचेंज होता है, वो कंडक्शन नहीं करता। तो असर्शन हमको गलत नजर आ रहा है, तो आंसर तो तुरंत मिल जाता है। जैसे ही असर्शन गलत होता हम समझ जाते हैं आंसर डी होगा, फिर भी रीजन पढ़ना चाहिए। दिस पार्ट, दिस का मतलब जो असर्शन में लिखा जा रहा है रेस्पिरेटरी पार्ट क्लियर एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, लाइन ही गलत है। अगर ये बात कंडक्टिंग पार्ट के लिए लिखा जाता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। रेस्पिरेटरी पार्ट का काम सिर्फ गैसेज एक्सचेंज होता है, इसलिए असर्शन के साथ साथ रीजन भी गलत है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन है इसका मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये सवाल लिया जा रहा है आपके पेज नंबर 270 से, एक टॉपिक है 270 नंबर पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तीसरे से लेकर छठी लाइन के बीच के स्टेटमेंट को बना के बनाया गया। तो ऐसे समझ लें आप पहले कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है, यानी जब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं तो हवा अंदर आती है यानी इंस्पिरेशन, और जब हवा बाहर निकलती है तो एक्सपायरेशन। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन या आउट ऑफ द लंग्स इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर।
जब तक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा तब तक हवा ना तो अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान तकरीबन 4 mmHg का प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, इसलिए हम कहते हैं इंस्पिरेशन इज बाय सक्शन पंप। हम नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं अपने फेफड़े के अंदर तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक हवा खींचती हुई चली जाती है सक्शन की तरफ। तो ये लाइन हमको सही नजर आ रही है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू या आउट ऑफ द लंग्स, यानी हवा फेफड़े के अंदर आती है या फेफड़े से बाहर निकलती है, इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। यानी प्रेशर ग्रेडियंट बनता है फेफड़े और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो वो एक प्रकार का प्रेशर ग्रेडियंट है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो बिल्कुल सही बात है। रीजन पढ़ते हैं, द डायाफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। सवाल आता है जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो हम डेवलप कैसे करते हैं, तो दो चीजें हैं जिनसे हम प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर सकते हैं। एक डायाफ्राम जो नॉर्मली डोम शेप का होता है, यानी कॉनकेव टूवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी एंड कॉन्वेक्स टूवर्ड्स थोरेसिक कैविटी। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है, जिससे एंटीरियर पोस्टर एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ जाता है और जिस वजह से एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और इंस्पिरेशन होता है। लेकिन इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो अल्टर कर सकती हैं। तो पहले असर्शन वाली लाइन में सक्शन पंप की बात की जा रही है, सेकेंड लाइन में उस सक्शन पंप की वजह बताई जा रही है, यानी रीजन बताया जा रहा है कि हाउ दिस, यानी आप बिकॉज लगाएं या दैट्स वाई लगाएं, तो बिकॉज लगाने से ज्यादा बेहतर आंसर मिल रहा है, तो इस लिहाज से इसका आंसर ए होना चाहिए। अब बिकॉज लगा के पढ़ लीजिए, मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफियर, बिकॉज द डायाफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेल्स ऑफ मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो लाइन एकदम फ्लो में है, समझ में भी आ रहा है कि जो पहले स्टेटमेंट बोला गया उसी को रीजन एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन द डायाफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द एंटीरियर पोस्टर एक्सिस। अभी मैंने बस फोर्थ क्वेश्चन में इसी लाइन को डिस्कस किया, अब मैं फिर याद दिला दूं, ये पेज नंबर 270 से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से बात कही जा रही है। फिर कह दूं डायाफ्राम नॉर्मल, डायाफ्राम को हम फिनिक मसल्स भी कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये डोम शेप का होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी की तरफ देखें तो ये कॉनकेव होगा, थोरेसिक कैविटी की तरफ देखें तो ये कॉन्वेक्स होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, यानी एंटीरियर पोस्टर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फेफड़ा फूल जाता है, फेफड़ा इन्फ्लेट कर जाता है, जिससे थोरेसिक जो आपके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर का प्रेशर घट जाता है, जाहिर बात है इंस्पिरेशन हो जाता है। तो लाइन सही है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन द डायाफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द एंटीरियर पोस्टर एक्सिस। बिल्कुल सही लाइन है, रीजन पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्रोकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एन स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये भी सही बात है, जो एक्सटर्नल इंट्रोकॉस्टल मसल है ये थोरेसिक कैविटी को अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ ले जाती हैं। तो ये दोनों लाइनें सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही बात कह रही हैं कि इंस्पिरेशन के लिए दोनों चीजें जिम्मेदार हैं। पहली लाइन को एक्सप्लेन सेकेंड लाइन नहीं करता, पहली लाइन में हमने डायाफ्राम का जिक्र किया है, सेकेंड लाइन का कोई ताल्लुक डायाफ्राम से नहीं है, उसका ताल्लुक इंटरकोस्टल मसल से है, इसलिए ये एकदम रीजन नहीं हो सकता। तो आंसर शुड बी द बी, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। एक्सचेंज एसर्शन पढ़ रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन रेस्पिरेशन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 272 से, टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके पहले पैराग्राफ की दो लाइनों को आप पढ़ेंगे तो आपको बात ये एसर्शन में मिल जाएगी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन
एक सामान्य डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन का मतलब जहां ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आसानी से चला जाता है। तो जो मूवमेंट होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, अदला बदली होता है, उसका सबसे प्रमुख कारण, मेन कारण प्रेशर ग्रेडियंट ही है। जैसे अल्वेलाई और ब्लड के बीच में भी गैसेज एक्सचेंज होता है, टिश्यू कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में गैसेज एक्सचेंज होता है, तो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में अगर आप कभी गैसेज एक्सचेंज देख पाएंगे तो ऑक्सीजन का मूवमेंट हमेशा एल्वेलाई से ब्लड की तरफ होता है और CO2 का मूवमेंट हमेशा ब्लड से एल्वेलाई की तरफ होता है, एंड दैट्स ओनली रीजन इज द प्रेशर ग्रेडियंट। यही बात टिश्यू कैपिलरीज में देखेंगे तो ब्लड से मूवमेंट हमेशा टिश्यू सेल में ऑक्सीजन का होता है और CO2 का मूवमेंट हमेशा टिश्यू सेल से जो है टिश्यू कैपिलरीज की तरफ होता है। दिस इज द ओनली रीजन इज द प्रेशर ग्रेडियंट। तो लाइन एकदम सही नजर आ रही है, फिर से पढ़ रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन और CO2 का रेस्पिरेशन के दौरान गैसेज एक्सचेंज होता है उसकी प्रमुख वजह प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है। रीजन जो है पेज नंबर 273 पे दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इज ऑल्सो कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो मूवमेंट होता है हमारा गैसेज एक्सचेंज वो तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, बट सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है या जिस मेम्ब्रेन के अलोंग ये डिफ्यूजन हो रहा है जिसे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। यानी मूवमेंट तो होगा, किधर से किधर होना है ये प्रेशर ग्रेडियंट, लेकिन किस रफ्तार से होगा, एंड दैट इज अफेक्टेड बाय दीज टू फैक्टर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे जान लें, जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो तकरीबन 20 से 25 गुना ज्यादा होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए CO2 का जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो बात जो कह रहे हैं वही बात ये भी कह रहे हैं, वहां वजह बताई गई प्रेशर ग्रेडियंट और यहां बताई गई है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए आंसर इसका बी होगा। तो हम जो बता रहे हैं आपको, इसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है आपके, मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हमारा पर्पज है इस तरह के क्वेश्चन से आप वाकिफ हो जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं रहता इस तरह के क्वेश्चंस, तो वो एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा उनका एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ा फेमिलियर रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर तो आप में सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये सवाल लिया गया है पेज नंबर 274, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी बाइंडिंग है वो प्राइमरली ऑक्सीजन से रिलेटेड रहती है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जल्दी से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, P50 वैल्यू कम हो जाएगी, डिसोसिएशन कर्व उतना ही लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन काफी कम होगा, एफिनिटी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से कम होगी, P50 वैल्यू ज्यादा होगी, डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो ये दोनों जो हमने आपको क्ल्यू दिए हैं, इनसे ये पता चलता है कि जो एफिनिटी है यानी बाइंडिंग है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर प्राइमरली डिपेंड करती है। रीजन को जान लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर दिस बाइंडिंग। बिल्कुल सही बात है, ये भी सारे फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये अफेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरली जो इफेक्ट जो डालता है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, वो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही डालता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लगभग एक ही बातें कह रहे हैं, लेकिन कभी भी इस लाइन में रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये आपका जो चैप्टर है NCERT क्लास 11 चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज का है। तो जो लाइनें मैं बता रहा हूँ, जाहिर है NCERT फर्स्ट वॉल्यूम
11th क्लास की उन्हीं के पेजेस की बात कर रहा हूँ, समझ आप गए होंगे, लेकिन मैं पेजेस इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूर से देखें कि आप उस टॉपिक को जब देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप समझ पाएंगे कि देखिए कैसे वो क्वेश्चन को फ्रेम कर ले जाते हैं। मैंने उन्हीं लाइनों से क्वेश्चन फ्रेम किया है जो सीधे सीधे उन्हीं की लाइनों से बन जाते हैं या हल्का सा ट्विस्ट हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जान लें कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, जरूरी है कि कैसे जनरेट होते हैं, इसलिए उसके अंदर समझ जरूर डेवलप करिए। अदरवाइज एग्जाम में सवाल तो एनसीईआरटी से आ जाएगा, बट आप डेसिफर नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसे जनरेट कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, जब हम एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बाइंडिंग जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनके करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा इसका कर्व सिग्मोइड आता है। इसमें ग्राफ भी बना हुआ है पेज नंबर 274 पर और टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एक ही ग्राफ बना हुआ है, वो सिग्मोइड कर्व का ही है। रीजन देख लें, सैचुरेशन इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात है, अभी ऊपर की लाइन को ही दोबारा फ्रेम किया गया है। सैचुरेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+, लेकिन प्राइमरली अभी आपसे कहा गया ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि रीजन में ओनली अगर नहीं लगा है इसलिए आंसर सही माना जाएगा। अगर यही ओनली लगा दिया जाता तो रीजन गलत मान लिया जाता, और ये इसका वजह भी है। इसी वजह से इसका जो डिसोसिएशन कर्व आता है जो ग्राफ बनाने पर वो सिग्मोइड आता है, तो ये इसका रीजन ही एक्सप्लेन करता है। तो आंसर ए होना चाहिए था इसका, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन। असर्शन इज का एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 4 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये पेज नंबर 274 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लास्ट लाइन। इसमें हमने दो टॉपिक को मिला करके असर्शन रीजन बनाया, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को लेकर और रीजन हमने जनरेट किया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को लेकर। कोइंसिडेंसली दोनों के दोनों लास्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक हैं। मैं फिर से असर्शन पढ़ रहा हूँ, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन नेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 4 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मैं रीजन पढ़ रहा हूँ, एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वेलाई। सर दोनों स्टेटमेंट गलत नजर आ रहे हैं, एक हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो नहीं बदली, थोड़ा सा अदल बदल दिया। एक्चुअली क्या है, जो 100 ml ऑफ द ऑक्सीनेटेड ब्लड है इट डिलीवर्स नॉर्मली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करती, कैरी तो वो 20 ml करती है, लेकिन यूजुअली बॉडी टिश्यूज में जाके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका 27% ही डिसोसिएशन नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो 20 ml अगर ऑक्सीजन है तो 27% 20 ml का अगर आप जनरेट करेंगे लगभग 5 ml। लेकिन जो हमारी CO2 होती है जो आपके टिश्यूज से निकलती है और लंग्स तक जाती है, दैट ट्रांसपोर्ट या डिलीवर्स ओनली 5 ml नहीं 4 ml। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर एक बार पूरा ब्लड आपका सर्कुलेशन पूरा करता है तो वो ऑक्सीजन तकरीबन 5 ml टिश्यूज को देता है प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, और CO2 वो 4 ml प्राप्त करता है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर डी ही होगा, लेकिन ये बात समझनी जरूर चाहिए कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतना वॉल्यूम CO2 नहीं निकालते, ऑक्सीजन हम कम्पेरेटिवली ज्यादा लेते हैं और CO2 कम्पेरेटिवली कम निकालते हैं। ये इस बात का प्रमाण है क्योंकि RQ वैल्यू 1 से कम आ गई, और RQ वैल्यू यानी CO2 आउटपुट अपन ऑक्सीजन इनपुट, और RQ वैल्यू 1 से कम आना ये प्रूफ है कि हम अपने शरीर में एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कम्बस्टन करके नहीं प्राप्त करते। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कम्बस्टन करेंगे तो हमेशा RQ वैल्यू 1 आएगी, जितना आप ऑक्सीजन यूज करेंगे जितने मॉलिक्यूल उतने ही CO2 निकलेगी। इसलिए ये प्रमाण है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक दूसरा कोई सोर्स भी है जिससे आप नॉर्मल कंडीशन में एनर्जी प्राप्त करते हैं, and yes that must be the fat। इसीलिए हम लोग कहते हैं लगभग 70% एनर्जी हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और 30% इज फ्रॉम द फैट। यस, हमने आंसर आपको ऑलरेडी कह दिया था, डी होगा। सर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, 10th क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, मैं चैप्टर वाइज ही बात कर रहा हूं।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो हमारे पॉन्स रीजन में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अलावा एपिन्यूस्टिक सेंटर भी वहां पर पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ये रीजन है इसका कि जो न्यूरल सेंटर यहाँ से न्यूरल सिग्नल यहाँ से जनरेट किए जाते हैं वो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देते हैं। ये सवाल है पेज नंबर 275, टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इट जनरेट इनहिबिटरी इंपल्सेस फॉर इंस्पिरेशन एंड स्टॉप द इंस्पिरेशन, इसी वजह से हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, यानी ये तय करता है कि कब इंस्पिरेशन रोकना है और हमेशा इनहिबिटरी इंपल्सेस ही जनरेट करता है। तो अगर पीसी स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी इंपल्सेस जनरेट कर दे तो वो इंपल्सेस जल्दी से इंस्पिरेटरी सेंटर के पास पहुंचेंगी और इंस्पिरेशन को जल्दी से रोक देंगी, इससे इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा और अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन छोटा होने लगेगा तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वीकर इनहिबिटरी इंपल्सेस जनरेट करता है, दैट विल टेक मोर टाइम टू रीच द इनहिबिटरी सेंटर, तो ड्यूरेशन इन इंस्पिरेशन का लॉन्गर हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट जो होगी वो घट जाएगी। तो एक्चुअली वो इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वही ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट करता है। दोनों आंसर सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो एसेशन को एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन बीच में आप दैट्स व्हाई लगा दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं, एसेशन के बाद मैं दैट्स व्हाई बोलूंगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, दैट्स व्हाई न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, देयरफॉर ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट एंड दैट प्रूव्स द लाइन इज करेक्ट। तो यहाँ एसेशन रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है एसेशन को एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए आंसर ए होगा। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के, दैट इज ब्रीदिंग एंड द गैसेज एक्सचेंज। आई होप आपने हमारे इस वीडियो को थोड़ा मजा लिया होगा या ब्लेजर आपको मिला होगा, लेकिन हम सर बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हमारे पैटर्न को समझिए। मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हों वो टॉपिक जरूर समझ में आए, बस इसी लिहाज से मैं आपको पेज बोल रहा हूं, टॉपिक बोल रहा हूं। एक बार वीडियो को सुनते हुए आप एनसीईआरटी को खोल के देखें और ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम लाइनों से सवाल को पिक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं पाए कि सवाल कैसे पिक होता है तो वहां पे ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम का प्रेशर ऑलरेडी होता है इसलिए वो याद रहता नहीं है। वो खाली गलत फहमी है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो हमें चीजें याद रहेंगी, बट ऐसा होता सामान्यतः नहीं है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां तक हम ले जाना चाहते हैं उस जगह तक जरूर चलिए। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। We'll be right back.